अरे भैया इतना सारा सामान हो गया, पन्नी में डाल दो ना। थैंक यू। ये पन्नी, प्लास्टिक पन्नी। मार्केट से दूध या फिर छोटा मोटा सामान लेकर आना है, सब्जी लेकर आना है, पन्नी ले लो। वजन में एकदम हल्की, लेकिन सामान उठाने के मामले में पन्नी का ना कोई जवाब नहीं। और वैसे भी हम इंसानों के हाथ में ऐसी चीज लग चुकी है जो हमारे सारी प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन है, यानी कि ये पन्नी, जो कि बड़ी लाजवाब है। कोबरा ने गलती से निकला प्लास्टिक का बोतल, परेशानी हुई तो मुंह से बाहर निकाला। इस हेडलाइन के साथ 2020 में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एंड जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने बोला प्लास्टिक बहुत बुरा है, जानवरों को मार रहा है। पर सालों की अप्पा तो एकदम चिल है भाई, जानवर ही तो है यार, हु केयर्स राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब तो प्लास्टिक बैन है, कहां ही जानवरों को कुछ होता होगा यार, तो इस फोटो पर एक बार ना नजर डालो। इसी साल की शुरुआत में ही फरीदाबाद में एक प्रेग्नेंट गाय में 71 किलो का वेस्ट मिला था। एंड इस वेस्ट में प्लास्टिक, नेल्स और बहुत अलग अलग कूड़ा कचरा था। 4 घंटे ऑपरेशन करने के बाद ये सारा प्लास्टिक उस गाय में से निकाला गया, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बच्चे और गाय मर गए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स एंड एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, 2017 में ही उत्तर प्रदेश में ही अराउंड 1000 गायें हर साल प्लास्टिक खाने से मरी है। एंड अकॉर्डिंग टू सम मोर रिपोर्ट्स, इंडिया जनरेट्स 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। एंड अकॉर्डिंग टू सम मोर रिपोर्ट्स, दुनिया भर में हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बॉटल्स लोग खरीदते हैं। एंड फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल होती है उनका अप्रोक्स 91% रिसाइकल नहीं होता। 2 अक्टूबर 2019 में ही भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक भले ही बैन हो गया था, लेकिन अभी भी मार्केट में ये इजीली मिलता है। एंड हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर तो फाइन भी है, लेकिन वही जुगाड़, पेपर बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे और चुपके से प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल करेंगे। बट जिस से नो टू प्लास्टिक एंड से यस टू पेपर बैग्स पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, आखिर ये प्लास्टिक धरती पर आया कब? थोड़ा सा रिवर्स गियर मारते हैं। 1907 में जब पहली बार लैब में आर्टिफिशियल प्लास्टिक की खोज हुई, तो इसके आविष्कारक बकलैंड ने कहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आविष्कार एक नया भविष्य की रचना करेगा। एंड उस वक्त की फेमस मैगजीन टाइम ने फ्रंट पेज पर बकलैंड की फोटो छापी थी एंड लिखा था, ये ना जलेगा और ना ही पिघलेगा। और 80 के दशक तक आते आते पॉलिथीन ने कपड़े के बैग, जूट के बैग, इन सबको रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि इस हर किसी पॉलिथीन में चाहे आप कॉफी रख लो, चाय रख लो, सामान कितना ही भारी भर लो, ये ना तो फटती है और ना ही सामान इधर से उधर होता है। लेकिन 1907 में आधुनिक विज्ञान के एक वरदान के रूप में हमारी लाइफ में आए ये प्लास्टिक अब पर्स बन गया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया में हर रोज करीब 25,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। एंड यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। और प्लास्टिक सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी बुरी तरह से फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा ना प्लास्टिक होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, ये सब कुछ नदियों में फेंकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं जी, वो जमुना पे ही जाना है, हमारा कुछ पूजा पाठ का सामान ऐसा है, ये है, कूड़े में नहीं डाल सकते। अब अपनी श्रद्धा नहीं कहते इसे कूड़े में डाल दे, क्योंकि हमने कोई पूजा का सामान रखा है तो कूड़े में नहीं डाल सकते ना। अगर कूड़े डाल दे अपने घर में डाल दे, वो भी इधर ही आ जाएगा। अब चाहे आप धर्म के नाम पर ये सब करो, जो कि गलत है, या फिर जाने अनजाने में, नुकसान तो सी क्रिएचर्स को हो ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो समुद्र में प्लास्टिक फेंकता ही नहीं हूँ, मैं तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। तो लेट मी टेल यू, इंग्लैंड के एक रिसर्चर के मुताबिक एक इंसान हर साल अप्रोक्स 70,000 माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक की स्ट्रॉस, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, प्लास्टिक, ये सब अल्टीमेटली इन जानवरों के पेट में ही जाता है। और हर साल समुद्र में जमे प्लास्टिक से करीब 700 सी क्रिएचर्स मरते हैं। इसलिए अब से कंप्लीटली नो टू प्लास्टिक। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम शॉपिंग या सामान लेने जाओ ना, तो प्लास्टिक की थैलियों की जगह ना पेपर बैग्स या फिर जूट कपड़े, इन सब के बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक की बोतल की जगह आप कॉपर या फिर कांच की बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन मेक श्योर टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड हाँ, अनकट को फॉलो करना मत भूलना।
Thank you.